हिमाच कृषि उपज मंडी में सोयाबीन की आवक की लगातार कमी के चलते भी किसानों को सोयाबीन के उचित भाव नहीं मिल रहे। देखा जाए तो आज कृषि उपज मंडी नीमच में 4 से 5 हजार बोरी सोयाबीन की आवक आई, लेकिन अगर भाव की बात करें तो 5 हजार से लेकर 6 हजार तक के भाव सोयाबीन के किसानों को मिल रहे हैं। किसानों का कहना है सोयाबीन की फसल में 1 बीघा के अंदर करीब 10 हजार रुपए का खर्च आता है, लेकिन किसानों को अधिकतम 6 हजार तक के ही किसानों को भाव मिल रहे हैं। इससे किसानों को घाटा हो रहा है। किसानों को 10 हजार तक के भाव मिले तो किसानों को राहत मिलेगी। वहीं मंडी निरीक्षक दिनेश कुमार जैन ने बताया कि सोयाबीन की आवक में अभी कमी है और भाव भी मीडियम है। भाव की बात करें तो सोयाबीन के भाव 6,600 रुपए तक के सोयाबीन के भाव किसानों को मिल रहे हैं। पिछली बार की तुलना में सोयाबीन के भाव में कमी आई है। उम्मीद है आने वाले समय में सोयाबीन के भाव बढ़ सकते हैं। सोयाबीन में गई 6,062 कुल बिक्री है ना, 8-10 हजार आवे अबे बार खाद बीज धान क्या मजदूर हरिक सीधा पैसे बढ़ रहे हैं, घट रहे ही नहीं। अब क्या करो, मतलब बिल्कुल घाटे चल रहा है इसमें। आनी भाव में सीधा खड़ा भैया, मजदूर है खाद बीज सही रहा तो कटू लाओ भैया, तो भाव माल तो बेचना पड़ेगा, नहीं बेचो तो कहीं कटो कहीं लो, मतलब कम से 8-10 हजार तो घड़ी साहब तो मतलब और भी मतलब इनकम मतलब तो कहीं को नहीं ईश्वरी कोप थी नुकसान भी को दुनिया भर ये मीडियम भाव है, मीडियम भाव है भाव खाद में भी हकई जोते ही सबका पैसा सही रहा तो कट लो। सर ऐसा है कि सोयाबीन में तो नुकसान है, भाव अच्छा नहीं मिल रहे हमें, और कम से कम 8-9 का तो भाव होना चाहिए। अभी 62-63 में बिक गए तो नुकसान है। कम से कम हमारे खेतों में लागत होती है, 1 बीघे में लगभग हो जाती है 10-11 हजार रुपये लागत हो जाती है, तो हमें फायदा तो नहीं मिल रहा है, नुकसान ही हो रहा है हमारा, हमें अच्छा मूल्य नहीं मिल रहा है। कम से कम 9-10 तो होने चाहिए करीब, तो लगभग होंगे ज़्यादा नहीं है, सामान्य है, क्योंकि भाव गिर गए तो सामान्य हो गए, कोई ज़्यादा आये नहीं है, मतलब ज़्यादा नहीं है सामान्य है, क्योंकि ज़्यादा आवक नहीं है, इसी कारण थोड़ा भाव भी मध्य हो गया, तो इसी हिसाब से किसान नाराज भी है सरकार से कि भाव अच्छे नहीं मिल रहे हैं, ताकि भाव अच्छे मिले तो सरकार भी अच्छी करे, लेकिन किसान नाराज अभी क्या बोए फिर, इससे अच्छा तो ऐसे रहे तो अच्छा है, क्या मिलेगा। सोयाबीन का भाव तो 10 हजार तो हो गया था, लेकिन अब 62-63 क्या करे किसान, क्या करे। अब 6 हजार से सोयाबीन के भाव 6,600 चल रहे हैं, तेजी मंदी बहुत हो रही है अभी डब्बे के अंदर, तो बाजार बहुत ऊंचा नीचा हो रहा है, 6,800 जाके आ गया है भाव, उसके बाद 500 रुपये घटे हैं। पूर्व में दिवाली से पूर्व गीली सोयाबीन आ रही थी तो 5,000 से 5,500 बिक रही थी, 15-17-18% मॉइस्चर का, और अभी वो माल 6,200-6,300 रुपये हो गया है सूखा माल, 5-700 रुपये की तेजी आई है। वैसे देखा जाए तो इस साल भी भाव किसानों के लिए तो अच्छे ही हैं, वो तो एक साल सोयाबीन 10 हजार बिक गई, अभी तो कोई ठिकाना नहीं है सोयाबीन का, कुछ भी बिक सकती है, व्यापारियों के हाथ में भी नहीं है, तो सब डब्बे से गेम चलता है सारा। नीमच के अंदर तो अभी लगभग 3-4 हजार बोरी की आवक बनी हुई है, और हाईएस्ट में 8-9 हजार बोरी माल आया है मंडी के अंदर, इससे ज्यादा आवक आई नहीं है। भाव तो अच्छे ही चल रहे हैं सोयाबीन के, 6 हजार ऊपर नई सोयाबीन बिक रही है, और एक साल पहले तक 3,000, 3,500, 4,000 रुपए के भाव हुआ करते थे, तो किसान को तो लाभ ही हुआ है, 2,000 रुपए ऊपर ही बिक्री है नई सोयाबीन तो। आज बाजार घटाओ, आज बाजार 100 रुपए तेज है, कल 6,200 रुपए बिक रहा था, आज 63-64 रुपए मंडी बिक रही है। सोयाबीन में तो नुकसान है अभी तो, सोयाबीन मिनिमम में भी 10,000 से तो समथिंग खर्चा हो जाता है आदमी का, अभी तो लागत मूल्य भी नहीं मिल रही किसानों को। सोयाबीन में खर्चा समथिंग भी 10,000 रुपए 12,000 रुपए बीघे का खर्चा आता है, और 15-18 हजार रुपए की सोयाबीन हो भी जाती तो क्या मिलता किसानों को, कुछ भी नहीं मिल रहा। आज 300 रुपए तो मजदूरी ले रहे हैं किसान, 1,500 रुपए डीएपी खाद हो गया, ये लागत मूल्य भी नहीं मिलती किसानों को, क्या मिल रहा है। अभी 5,500 से समथिंग 6,600 बिक रही सोयाबीन, एवरेज भाव होना चाहिए कम से कम 7-8 हजार रुपए, ताकि किसानों को लगे भी सही कि यार दो पैसा किसानों को मिलता भी है। आज तो 500 रुपए समथिंग मत दी है, अभी 6,300 रुपए 6,400 रुपए बिकी, 6,400 रुपए बिकी, 8,000 से कम से कम 8,000 तो होना चाहिए किसानों को मिले भी सही, 7-8 हजार रुपए 8,000 रुपए 8,000 साढ़े 8,000 रुपए तो कम से कम मूल्य होना चाहिए, ताकि उसको 3 बोरी अगर बिकेगी सोयाबीन भी हो तो उसको 20,000 रुपए तो समथिंग मिलना चाहिए ना किसान को। पूरी नीमच मंडी में अभी आवक हो रही है, और अभी मल मास के कारण भी किसान लोग ला नहीं रहे माल, और भाव अभी 4-8 रोज पहले अच्छे से चल रहे थे और अभी डाउन है, तो ये रेट्स अभी और थोड़े 8-15 दिन बाद वापस सुधर सकते हैं, और सोयाबीन के उत्पादन तो उस हिसाब से कमी है, फिर भी बाहर का आता है तो वो हो जाएंगे, रेट्स तो अच्छे मिले इनको, और अब ऊपर में तो अब
70-80 हो सकते हैं, क्योंकि उत्पादन तो है नहीं। आज 6600 तक भाव बिका है और आगे भी वो बढ़ने की संभावना तो है, बाकी ये 8-15 दिन लगेंगे इसके लिए। डाउन होने का कारण अब नया सोयाबीन आया है और अभी पुराना स्टॉक लोगों के पास पड़ा हुआ है, इसके कारण अभी और कुछ लोग वेयर हाउसों में माल भी पटक रखा है, इसलिए उत्पाद अभी आवक कम ही चल रही है। आवक कम होने के बाद क्योंकि स्टॉक इनके पास पड़ा हुआ है ना, और रेट्स भी अच्छे रहे थे पहले, तो इसका वो पुराना माल जिनके पास पड़ा है तो वो अब इसी कारण निकाल नहीं रहे उसको। हाँ, भाव बढ़ सकते हैं इसके, क्योंकि उत्पादन तो कम ही है वैसे, तो इसकी और समीक्षा करेंगे क्यों आप कम आ रहा है। नीमच से दीपक खताबिया की ये रिपोर्ट।